काँग्रेस पक्ष या अग्निपथ योजनेचा विरोध करतो आहे कारण अगदी सरळ दोन त्यातले मुख्य मुद्दे आहेत। पहिली गोष्ट जणू काही कॉन्ट्रॅक्टवर सैनिक घ्यायचं या प्रकारचं या योजनेचं स्पष्ट वळण तुम्ही जर पाहिलं असेल तर आपण घरात कामाला कोणीतरी कॉन्ट्रॅक्ट इथे नाक्या असतात त्या नाक्यावर नाका कामगार उभा असतो त्याला रोज कुठे जायचं माहीत नाही। इथे हा जो जाणार आहे तिथे सैनिक म्हणून तो 4 वर्षासाठी जाणार आहे। आता हे 4 वर्ष का निवडले हे पण त्यांना माहिती, 5 वर्ष का नाही निवडले त्याचं पण काही नाही। ते म्हणतात आम्ही खूप चर्चा केली वगैरे। मुळात प्रश्न असा आहे जसं एखादी कॉन्ट्रॅक्ट भरती होते त्याप्रमाणे तुम्ही सैन्य भरती करत आहात। हा काँग्रेस पक्ष म्हणून आज आम्ही इथे केवळ आमच्या पक्षासाठी उभे नाही आहोत, आम्ही देशासाठी उभे आहोत। देशाची सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे। भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते असं म्हणतात की नाही चाललेलं आहे। अहो पण तुम्ही फिगर्स द्या, तुम्ही त्याची माहिती द्या, जे प्रश्न विचारलेत त्याची उत्तरं द्या, तेही तुम्ही देत नाही। अशा वेळी तुम्ही अग्निपथ योजना आणलेली आहे आणि ती अत्यंत घातक आहे। देश भर में हमारी कांग्रेस की पार्टी जिला इकाई, प्रदेश इकाई, ब्लॉक इकाई करती ही रही। आज ऐसा नहीं 2014 के बाद ही ये देश बना है। 47 से आर्मी की बहाली हुई है और आर्मी में लोग कर रहे थे। ये नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। आपने 2 करोड़ का जॉब का बोला था, दो करोड़ हर साल का सवाल सरकार से, सवाल 2 करोड़ का है। ये बिल रद्द होके ही रहेगा। अग्निपथ योजना इसलिए बुरी है कि इसमें सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप उसको कितना दे रहे हैं? 12 लाख रुपया, जो उसका TA PA काटने के बाद आप उसको 20 लाख दे रहे हैं। जब वो बंदा किसी शहादत हो जाता है उसका गारंटी क्या है? कोई नहीं। सिर्फ ओरली बोल रहे हैं। क्या है? अगर देश के लिए वो बलिदान देता है उसके लिए उनके क्या है, उनके फैमिली के लिए क्या है? कुछ है उस बिल में? आपने वो बिल देखा है? ड्राफ्ट पढ़ा है? सिर्फ ओरली बोल रहे हैं। अगर वो देश के लिए बलिदान देता है उनके परिवार को कौन देखेगा? पहले था कि आपके अगर किसी ने उच्च बलिदान दिया है देश के लिए तो उनको पेट्रोल पंप था, गैस एजेंसी था, सरकारी नौकरी था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को 4 साल में एक सेना नहीं बनता है। अभी हमारी लिबिया ताई ने बोला जब बांग्लादेश को काटा गया, जब पाकिस्तान से तोड़ा गया तो वो एक सक्षम सेना थी। ये 4 साल ट्रेनिंग में 2 साल में गुजर जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहले इन्होंने किसानों पे हमला किया, आज जवानों पे हमला किया। ये इसलिए हमारा विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है। आपने दूसरे राज्यों में देखा जितने भी युवाएं हैं वो रास्ते पर आए हैं, रास्ते पर आकर उन्होंने डेमोक्रेटिक वे से आंदोलन किया है स्टेशन पर। पहला इसका विषय ऐसा है कि ये जो स्कीम निकाली है ये 4 साल के लिए क्यों? इसका कारण भी वो भाजपा सरकार को ही मालूम है कि 4 साल ही क्यों है। दूसरा विषय ऐसा है कि 4 साल जब हो जाएंगे, आज 21 साल का एक युवा जब पार्टी इसमें ज्वाइन करेगा अग्निपथ योजना में, वो 25 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। 25 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उसका क्या होगा? इस पे उन्होंने बताया कि इस पे 25% लोगों को हम सेना में लेंगे। अब वो 25% भी पूरे नहीं है, अप टू 25% है। यानी कि वो 10% भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो पहले तो ये युवाओं को पूरी तरीके से फंसाने का स्कीम करें। दूसरी बात, इसका जो बिल है वो बिल को आप पब्लिक कीजिए। जो आप बता रहे हैं कि अगर देश के लिए कोई व्यक्ति की अगर दुर्दैवी शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो उसको कॉम्पनसेशन मिला जाएगा, लेकिन वो आप लिखित रूप में लेके आइए। दूसरी बात, उसको कोई पेंशन नहीं है। मतलब ये प्रकार का अगर आप योजना, ये प्रकार की अगर आप नियोजन युवाओं के लिए कर रहे हैं तो 25 साल की उम्र के बाद युवा बेकार हो जाए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।